दोस्तों, विंटर स्पेशल गाजर और मूली का अचार बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गाजर लिया है। गाजर को धुल करके छील के काट लिया गया है। इस तरह से आपको काट लेना है बारीक, और इसके बीच का जो पोर्शन है वो चीज़ हटा देना है कोशिश करके। और ये मूली है, मूली भी हमने धुल करके काट लिया है। मूली गाजर दोनों चीज़ों को छील लेना है। तो हमारा 3 गाजर और 2 मूली इस तरह से था। और ये अदरक, 3 इंच अदरक का टुकड़ा है। लहसुन की कलियां हैं, लगभग 15-20 कलियां हैं। हरी मिर्च है, मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह की मूली हमारी थी, 3 मूली, और इस तरह का हमारा गाजर था। गाजर इस तरह से छोटे टुकड़े में काट के, और जो इसके बीच का पोर्शन ये चीज़ है, इसको इस तरह से कट करके आपको निकाल लेना है। कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, और उसके बाद इसको बारीक ऐसे काट लेना है। मसाले में हमारे पास है खड़ी धनिया, नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच, जो चम्मच हमने लिया इसी चम्मच से सभी नाप है, ये सामान्य चम्मच है। और सरसों, पीली सरसों है, सरसों 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 चम्मच के लगभग है। आप लाल सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन पीली सरसों इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच पीली सरसों, और 1 चम्मच से कम जीरा है, 1 चम्मच से कम सौंफ है, और बहुत थोड़ा सा हमने ये लगभग 25-25 दाने के लगभग हमने ये मेथी और कलौंजी लिया है। बहुत थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्योंकि मेथी कलौंजी ज़्यादा डालने पर अचार थोड़ा सा तीता लगता है, इसलिए हम कम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम गाजर और मूली को बॉयल कर लेंगे। अब मुझे 5 मिनट तक केवल नरम होने तक बॉयल करना है। हम आपको बॉयल करने की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। अपने गैस की तरफ चलते हैं। इस तरह से पानी हम रख दिए हैं भगोने में, ये जाली वाली थाली है, इसी में ऊपर हम रख देंगे। केवल गाजर और मूली को हमें बॉयल करना है। अरे गाजर और मूली को जाली वाली थाली पे रख करके 5 मिनट तक नरम होने तक हमें कुक करना है। उसके बाद इसे हमें धूप में डालना है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हरी मिर्ची को कभी भी डंडी तोड़ करके इसको ना धुलें, डंडी सही धुलना है, जिससे पानी मिर्ची के अंदर ना जाए। अदरक लहसुन हरी मिर्च को ऐसे ही हम धूप में डाल देंगे। उबलने के बाद गाजर मूली को भी हम धूप में डालेंगे। कम से कम 4 घंटे की धूप लगनी चाहिए अच्छी तरह से, यदि आपको अचार लंबे समय तक रखना है। बाकी हल्दी नमक छोड़ करके इन सारी चीज़ों को, सरसों हल्दी नमक 3 चीज़ हम ऐसे ही डालेंगे, सरसों कच्ची डालेंगे, बाकी धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी और मंगरेला, इसको हम भून लेंगे। भून करके दरबरा पीस लेंगे। दोस्तों, जब गाजर मूली हमारा नरम हो जाएगा, इसको धूप में हम डाल देंगे, ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। कम से कम 4 घंटे की धूप लगनी चाहिए। आपसे हम 4 घंटे बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों, 4-5 घंटे तक हमने इसको धूप में रखा था। चूँकि आज धूप हल्की थी, इसलिए मुझे ज़्यादा देर तक रखना पड़ा। गाजर और मूली से नमी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अदरक हरी मिर्च से भी नमी ख़त्म हो गई थी। अदरक हरी मिर्च को और लहसुन को हमने इस तरह से दरबरा मिक्सर में चला लिया है, और कुछ मिर्ची को हमने इस तरह से काट लिया है। कोशिश करके आप अचार जब भी बनाएं तो धूप देख करके बनाएं। यदि सुबह अच्छी धूप निकले, उसी दिन अचार बनाने की प्लानिंग करें, क्योंकि अचार बनाने में धूप अच्छी तरह से लगनी चाहिए। और कुछ मसाले जो हमने बताए थे भून के पीसना है, उसको हमने पीस लिया है दरबरा मिक्सी में। ये पीली सरसों है, इसको भी हमने पीस लिया है दरबरा। सबसे पहले हम अदरक लहसुन पीसे थे, इसलिए थोड़ा सा ये हमारा गीला हो गया, बाकी हमने सूखा ही पीसा है। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल दिए हैं। हम चेक कर लेते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं गर्म करेंगे, क्योंकि तेल का जो तेजपन है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, मसाले डाल देंगे,
थोड़ा सा हम चला लेंगे, जिससे थोड़ा भी यदि इसमें संदेह हो कच्चेपन की तो वो भी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हरी मिर्च जो हमने दरबरी पीसी थी वो, और प्लस ये हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को भी हम डाल करके इस तरह से चला लेंगे। ज़्यादा नहीं, मुझे ये प्रोसेस केवल 2 मिनट करना है सभी चीज़ों के साथ। इसी समय हम इसमें गाजर और मूली भी डाल देंगे। यदि आप ऐसे मौसम में बना रहे हैं जिस मौसम में धूप नहीं है, तो रात को इसको बॉयल करके पंखे के नीचे डाल दें, पंखा फुल करके, और इसकी नमी निकल जाए, और कोशिश करके अचार थोड़ा ही बनाएं 1 हफ्ते के लिए। यदि आपको लंबे समय तक अचार रखना है तो इसको अच्छी तरह से सुखाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे, ऐड करें। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अचार को हम ठंडा होने तक कढ़ाई में छोड़ देंगे। उसके बाद इसको किसी कांच के बर्तन में रख देंगे जो कि पूरी तरह से एयरटाइट होना चाहिए। दोस्तों, हमारा गाजर मूली का अचार, चटपटा अचार बन करके तैयार है। आप अचार बनाने में कुछ सावधानी रखें, जैसे इसको अच्छी तरह सुखाएं, और लंबे समय तक रखना है तो इसमें विनेगर या किसी भी सिरके का प्रयोग करें। क्योंकि हमने थोड़ा सा बनाया है 1 हफ्ते के लिए, इसलिए हम विनेगर नहीं डाल रहे हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से आप सर्दियों में गाजर मूली का अचार बनाएं, पूरी पराठे के साथ इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।